इंफोसिस में बाजार बंद होने के बाद एक पॉजिटिव कोलैबोरेशन से रिलेटेड न्यूज़ निकल कर आ रही है, और इसके अलावा चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट के बाद यह शेयर 1320 से 1380 की रेंज में फंसा हुआ है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रेस रिलीज पर नज़र डालें तो ब्रिटविक नाम की कंपनी के साथ इंफोसिस ने कोलैबोरेशन किया, जो कि कंपनी ब्रांडेड सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में है यूरोप के अंदर, और इंफोसिस इसके बिजनेस को एक्सेलरेट करने के लिए डिजिटल आईटी सर्विस प्रोवाइड करेगी। तो फ्रेंड्स, इस कोलैबोरेशन का डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में इंफोसिस के रेवेन्यू और प्रॉफिट पर पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। और अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इंफोसिस के शेयर में अभी क्या हो रहा है। तो रिजल्ट के बाद काफ़ी ऐसे कोलैबोरेशन के अनाउंसमेंट निकल कर आ गए, फिर भी इस शेयर में कोई पॉजिटिव अपसाइड देखने को नहीं मिल रही। और जब इसके चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट आए तब मैंने ये शेयर 1200 के नीचे फिस लेगा ऐसा कहा था, तो काफ़ी ट्रेडरों ने ऐसा भी कहा था कि यह एक वीक में 1700 के ऊपर जाएगा। तो अभी 1700 के ऊपर भी नहीं गया और 1200 के नीचे भी नहीं गया, तो इसके रीज़न क्या है उस बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। तो सबसे पहला यह रीज़न है कि चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट अनुमान से कम आए थे, और इसके अलावा मेरा ऐसा मानना था कि इंफोसिस की वैल्यूएशन बहुत ही हायर साइड पर हो गई है और अनुमान से कम रिजल्ट थे। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि जो भारत के दिग्गज ब्रोकर है वो टारगेट घटाएगी, तो इसके 1700 के जो टारगेट थे वो घटाकर 1500 से 1600 कर दिए थे। तो जब इसके रिजल्ट आए तब ये शेयर 1400 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो 100 रुपये की अपसाइड के लिए कोई बड़ा इन्वेस्टर इसको बाइंग करने नहीं आएगा, ऐसा मेरा मानना था, और इसी वजह से मैंने कहा था कि यह शेयर 1200 के नीचे जाएगा। और इसके अलावा इस बार इंफोसिस ने 12 से 14% की रेवेन्यू गाइडेंस दी, जो कि पिछले सालों के मुकाबले बहुत ही शानदार है, क्योंकि पिछले सालों में 8-10% के आसपास की रेवेन्यू गाइडेंस आती थी, क्योंकि यह बहुत ही बड़ी साइज़ की कंपनी है। मगर फ्रेंड्स, सबको पता है पिछले साल आईटी कंपनियों के प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि पिछले साल मार्जिन अच्छा कमा रहे थे, जो कि इस साल घटने का अनुमान, यानी कि जो रेवेन्यू गाइडेंस 12 से 14% का है उतना तेज़ गति से प्रॉफिट नहीं बढ़ने वाला, और इसके अलावा इसके वैल्यूएशन भी हायर है, तो इसी वजह से मुझे लगता था कि ये शेयर 1200 के नीचे फिसल सकता है। तो अभी भी मेरा ऐसा मानना है कि जो ये पहले क्वार्टर्स के रिजल्ट आएंगे उससे पहले पहले एक बार 1200 के नीचे जाने के चांस अभी भी इस शेयर में मुझे दिखाई देते हैं।